मीडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं देवव्रत वाजपेयी इस समय बना हुआ हूँ इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर। जी हाँ, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ इंदौर के एक ऐसे ट्रैफिक ऑफिसर से जो ना कि अपनी स्टाइल से लोगों को सड़क पर चलने के निर्देश देते हैं बल्कि अपने अंदाजे में आने के लिए भी जाने जाते हैं। जिस प्रकार से वह रोड में चलने वाले लोगों को ट्रैफिक के हिसाब से चलने का निर्देश देते हैं वो वास्तव में गजब है। तो आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही इंसान से। ड्यूटी के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानियां तो डेफिनेटली आती हैं क्योंकि चौराहे के बीच में खड़ा हूँ तो प्रदूषण है, लोगों का प्रसन्न है और यहाँ के लोग ट्रैफिक से समझते नहीं, थोड़ा कम समझते हैं तो उनसे भी प्रॉब्लम होती है। तो जब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ प्रॉब्लम को झेलेंगे, झेलता हूँ रोज। अच्छा, आपका ट्रैफिक कंट्रोल करने का अंदाज बहुत ही गजब है, इसका कहाँ से आया आपका ये अंदाज, कहाँ से प्राप्त? जज्बा, अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं ना, अपने देश से प्यार करते हैं तो जज्बा अपने आप आ जाता है। तो मेरे लिए मेरे मुल्क से प्यार करना ही एक जज्बे का कारण है। आपकी मुस्तैदी और कार्य करने के अंदाज के चलते पूरे इंदौर में लोग आपको अपना हीरो मानते हैं जी। आपको यह जानकर कैसा लगता है? डेफिनेटली घबराहट सी होती है, सच बताऊं तो, क्योंकि हीरो बनना बड़ा आसान काम है पर उस हीरो गिरी को मेंटेन करना बड़ा बुरा काम है। तो मेंटेन करने में मुझे बहुत पावर जाता है, बहुत लोगों की उम्मीदें जग जाती है कि यार ये लड़का खड़ा है तो काम करेगा, और क्योंकि अगर मैं बीमार भी हूँ और लोग ये नहीं समझेंगे, लोग ये समझेंगे यार लड़का खड़ा है तो काम कर रहे हैं, काम करेगा, तो ये उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे घबराहट होती है कि मैं हीरो ना बन जाऊं, क्योंकि हीरो बनने के बाद सिर्फ हीरो बनना एक काम ही होता, उस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा काम होता है। सर, धूल और कोहरे के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता होगा, कैसे कंट्रोल करते हैं? डेफिनेटली धूल और कोहरा की वजह से ट्रैफिक को लाइट नहीं दिख पाती है लोगों को, तो डेफिनेटली मुझे सिटी बहुत जोर से बजानी पड़ती है ताकि लोग अवेयरनेस के रूप में उस सिटी को सुन लें और थोड़ा दिमाग अपने ट्रैफिक को लेकर सेंस को जगा लें ताकि जब चौराहे पे निकलें तो उनको दूसरी गाड़ियों का ध्यान रहे। तो मैं सिटी जितनी जो चाहता हूँ जितनी जोर से बजा सकता हूँ बजाता हूँ ताकि लोग कान तक मेरी सिटी की आवाज़ जा सके। सर, ज़्यादातर आप देखने को मिलता है कि बरसात में आप रेनकोट नहीं पहनते, ठंडियों में आप मतलब आप स्वेटर नहीं पहनते, तो इससे इसका यानी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता आपके स्वास्थ्य पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत कर लेते हैं तब तो यकीन मानिए मोहब्बत के नाम आते हैं लोग अपने गर्लफ्रेंड या अपने वाइफ के साथ चले जाते हैं। मेरे लिए मोहब्बत मेरी मुल्क मेरी वर्दी होती है, तो जब इस वर्दी को मैं पहनता हूँ ना तो ठंड धूप बारिश कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता और सबको लगता है कि सब ईजी है इसके सामने। तो मेरे ख्याल से जब मेरी मोहब्बत अगर मैंने अपनी वर्दी को बना लिया ना तो ये सब कुछ मुझे कवर करती है, सारी चीज़ें बताती है। पर आपके ड्यूटी करने के दौरान आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, इसके पीछे राज क्या है? बिकॉज आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, दैट्स इट, एंड अगर मैं अपने आप को एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं किसी को भी अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ तो किसी और को क्या हैप्पी बनाऊंगा, तो मैं खुद पहले हैप्पी होता हूँ उसके बाद लोगों को हैप्पी बना लेता हूँ। लोग यहाँ से निकलते हैं, फाइन लेते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। आपको सब लोग दबंग कहते हैं, कैसा लगता है आपको? मैंने कहा ना घबराहट सी होती है, नाम बड़ी बात नहीं है, नाम के अकॉर्डिंग काम, तो अगर काम भी अगर उसके अकॉर्डिंग करूंगा तो भी आगे नाम होगा ना मेरा। तो नाम रखना कोई बड़ी बात नहीं है पर उसको नाम के बाद उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है। तो कोई भी नाम पब्लिक देती है या उम्मीद करती है तो डेफिनेटली मुझे घबराहट भी होती है, क्योंकि आई एम जस्ट डूइंग माय सेल्फ ड्यूटी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तो काम को लोगों ने इस तरह से अलग रूप से देख लिया है या फिर इतना प्यार करने लगे हैं तो डेफिनेटली उम्मीदें बढ़ गई हैं और उम्मीदों को मेंटेन करना बड़ा बड़ा काम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो उम्मीदें मुझसे रखी गई हैं उसको मेंटेन करूँ। आप युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं? युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गाड़ियाँ आ गई हैं पर अपनी स्पीड कम करें, क्योंकि मरने के बाद या ठुकने के बाद
जब हाथ पे टूटते हैं ना तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने अपना एक भाई खोया है ट्रैफिक में और उसका एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तो मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आज के युवा गाड़ी को धीरे चलाएं और ट्रैफिक रूल्स को समझें। जिंदगी बहुत प्यारी है और अनमोल है, अगर आप इसको अपने देश के लिए अपनी कंट्री के लिए लगाएंगे डेफिनेटली ये देश आगे बढ़ेगा। वेरी नाइस। तो हम अपनी